तो आखिरकार अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। आज अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है, केजरीवाल को कहा है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में कांग्रेस से हाथ मिलाया है, यानी कांग्रेस का साथ दिया है, इसलिए वो ऐसे में पार्टी में नहीं रह सकते और पार्टी को अलविदा वो कह रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ही, यानी दा मसला की कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में बता दिया था कि जल्द ही अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे और उसके बाद वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो अब चर्चा यही है कि वो कुछ ही दिन में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो चुनावी सीजन में हरियाणा में दल बदल की शुरुआत तो खैर पहले ही हो गई थी, सो अशोक तंवर ने भी अपना पाला बदल लिया है। इससे पहले आपको पता है अशोक तंवर कभी कांग्रेस में होते थे, उस समय वो हरियाणा से सांसद भी चुने गए थे, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना फ्रंट बनाया था। फिर कुछ समय बाद वो टीएमसी में चले गए थे और फिर टीएमसी को भी अलविदा कहने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब मौजूदा हालात को देखते हुए, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी है, मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब जल्द ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो चर्चा यही है कि वो आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव या तो सिरसा और या अंबाला की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मसला।